हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम करें अपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक है इंग्लिश लिटरेसी। और ये इंग्लिश लिटरेसी की क्लास नंबर है तीसरी, मतलब इंग्लिश लिटरेसी जो आपका टॉपिक है। इसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि टोटल आप लोगों की चार क्लासेस होंगी, चार क्लासेस में आपका ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट होगा। तो उस हिसाब से ये आपकी तीसरी क्लास है। इससे पहले की इसी टॉपिक की दो क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, मतलब कि इससे पहले की 18 क्लासेस, अलग अलग टॉपिक की 18 क्लासेस आप लोगों की हो चुके हैं। सारी की सारी क्लासेस देखना ज़रूरी है। हम अपने बिल्कुल एंड पे हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के जो सिलेबस है उसके हम बिल्कुल एंड पे हैं। और आज की क्लास है क्लास नंबर 19, टॉपिक हमारा वही है इंग्लिश लिटरेसी। समझने वाली बात है कि आप लोगों के मन में अभी भी सवाल है कि क्या ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कॉमन है हर ट्रेड में, मतलब हमें अपनी थ्योरी के साथ क्या ये भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब ये कैसा सवाल था, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इज कॉमन फॉर ऑल ट्रेड। मैं कितनी बार बोलूँ, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं या फिर आपकी केवल एक ही साल की ट्रेड है तो आपके लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कंपलसरी है, चाहे कोई सी भी ट्रेड हो। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कॉमन है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर की आपके क्वेश्चन अलग से होंगे, ठीक है। ये सेकेंड ईयर के लिए नहीं है, ये केवल फर्स्ट ईयर के लिए है और जिनकी एक साल की ट्रेड है उनके लिए हैं ये क्वेश्चंस और उनके लिए हैं ये क्लासेस। इतना आप समझ गए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल तो भाई सब में कॉमन है, ये कोई सवाल नहीं उठना चाहिए कि क्या ये भी पढ़ें साथ में, थ्योरी के साथ क्या ये भी पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले कि हमने 40 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं पिछली दो क्लासेस में, ठीक है। क्वेश्चन है, व्हेन समवन सेज थैंक यू वी शुड रिप्लाई एंड से, जब कोई थैंक यू कहे तो हमें जवाब देना चाहिए और कहना चाहिए। मतलब सामने वाले ने आपको थैंक यू कहा है, किसी मदद के लिए आप थैंक यू बोला है, तो आप जवाब में उसे क्या कहोगे, थैंक यू, उसको भी थैंक यू बोल दोगे, या फिर यू आर वेलकम, आपका स्वागत है, यानी कि आपके थैंक यू का स्वागत है, या फिर बाय बाय, या फिर हाउ आर यू, आप कैसे हो, क्या बोलोगे। वही सिंपल है, थैंक यू कोई कह रहा है तो हम क्या कहते हैं, और वेलकम, ठीक है। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन है। देखो ये इंग्लिश लिटरेसी जो टॉपिक है ना, इस पर इंग्लिश पर ध्यान देना है। हिंदी अगर आप कहोगे मैडम जी देखो ऑप्शन आपने हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किए हैं, देखो ये मैं हिंदी में करवा रही हूँ, मोस्टली जगह आपको नहीं दिखेंगे ट्रांसलेट के। कुछ कुछ तो आपके जो भरत स्किल पर PDF है ना, कुछ लोग तो बस उसी PDF से पढ़ा रहे हैं, उसी PDF से, ना कुछ समझ में आ रहा है ना कुछ, मैंने देखा है, ठीक है। और स्टूडेंट्स फिर इसी में कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये क्या बात हुई, कैसे पढ़ा दिया, ठीक है। तो ये इंग्लिश लिटरेसी टॉपिक है, इस पर आप ज़्यादा क्वेश्चन ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्वेश्चन पे आते हैं, राय देने के लिए आप इनमें से किस वाक्यांश का प्रयोग करेंगे। इट इज़ अबाउट, कैन यू, टेल मी अबाउट, या फिर आई थिंक। राय देने के लिए तो क्या क्या वाक्यांश होगा, आप अपना ओपिनियन देंगे तो क्या कहेंगे, आई थिंक, या मैं यही सोचता हूँ। आप अपनी राय देंगे तो क्या कहेंगे, या आई थिंक। किसी से सहमत होंगे तो क्या कहेंगे, आई थिंक। ऑप्शन डी। 43 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा गैर मौखिक संचार का एक रूप है, गैर मौखिक संचार का एक रूप है, मतलब गैर मौखिक, मतलब मुँह से ना बोला जाए, सहकर्मियों से बात करना, सहकर्मियों से बात करेंगे तो ये तो गैर मौखिक नहीं हुआ ही ना, ये तो मौखिक संचार हुआ, मुँह से बोलेंगे। फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे की अभिव्यक्ति, यानी कि इशारे में बात करना, फ़ोन पर बात करना, मतलब फ़ोन पे बात करेंगे तो बोल के ही करेंगे ना, इशारे में बात नहीं होगी ना, फ़ोन पर बात नहीं हो पाएगी इशारे में। टॉकिंग टू कॉलेजेस, ये दो ऑप्शन एक ही हैं तो ये नहीं होगा, क्या होगा। फेशियल एक्सप्रेशन यानी कि चेहरे की अभिव्यक्ति, यानी कि हाव भाव से, या फिर बोल सकते हैं इसको गैर मौखिक संचार, ठीक है। ऑप्शन बी होगा राइट, फेशियल एक्सप्रेशन। 44 नंबर क्वेश्चन है, इवन विदाउट स्पीकिंग पीपल में अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स थ्रू योर। देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बिना बोले भी लोग आपकी भावनाओं को आपके माध्यम से समझ सकते हैं, मतलब बिना बोले आप बोलोगे नहीं तो लोग आपकी भावनाओं को कैसे समझेंगे, आपके हाव भाव से, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, यानी कि गैर मौखिक संचार अभी हमने पिछले में पढ़ा, बॉडी लैंग्वेज से, ठीक है। तो क्या होगा, ये तीनों ऑप्शन सही होंगे, यानी कि चारों ऑप्शन सही होंगे, ऑल ऑफ द एबव। बिना बोले आप लोग आपके
आपकी जो भावनाएं हैं, आपकी बात है उसको कैसे समझ सकते हैं? आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके गेस्चर्स से. क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव. 45 नंबर क्वेश्चन है, विच एक्सप्रेशन विल यू चूज टू एड्रेस योर बॉस इन एन ईमेल? ईमेल में अपने बॉस को संबोधित करने के लिए आप किस अभिव्यक्ति का चुनाव करेंगे? ईमेल में अपने बॉस को, यहाँ पे बॉस की बात हो रही है, बॉस से आप क्या कहते हैं, बॉस को संबोधित कर रहे हैं तो आप क्या यूज़ करेंगे? आपसे बड़े हैं, आपके बॉस हैं, तो हाय कहेंगे आप? ये तो देखो सरनेम टाइप का हो गया, ठीक है, तो इससे मतलब नहीं है. हाय डियर सर, ये आपको देखना है, ठीक है, ये सरनेम या नेम बोल सकते हैं, जो भी है ये चीज़ है. हाय डियर या सर, आप अपने बॉस को किससे संबोधित करेंगे? हाय करके या फिर डियर या फिर सर, क्या कहेंगे? ये देखो दोस्त से चल जाता है, अपने सहकर्मियों से चल जाता है, लेकिन बॉस से सर यूज़ होगा, ठीक है. कौन सी अभिव्यक्ति यूज़ करेंगे आप? सर का यूज़ करेंगे. ऑप्शन सी होगा राइट आंसर. 46 नंबर क्वेश्चन है, आई ज्वाइन मेटल पार्ट्स टुगेदर, आई एम अ. मैं धातु के पुर्जों को एक साथ जोड़ता हूँ, मैं एक हूँ. भाई जो धातु के पुर्जों को जोड़ते एक साथ जोड़ते हैं वो कौन होते हैं? वेल्डर होते हैं ना, फिटर नहीं होंगे, प्लम्बर नहीं होंगे, मशीनिस्ट नहीं होंगे, कौन होंगे भाई? वो तो वेल्डर होंगे जो धातु के पुर्जों को जोड़ते हैं, वेल्डिंग करते हैं, राइट. वेल्डिंग, वेल्डिंग तभी तो होती है जब दो धातुओं को जोड़ा जाता है, ठीक है, तो उनको क्या क्या कहते हैं? वेल्डिंग कहते हैं. तो जो इन सभी चीज़ों को करता है, पुर्जों को जोड़ता है, एक दूसरे को जोड़ता है, उनको क्या कहते हैं? उनको क्या कहते हैं? वेल्डर कहते हैं. क्या होगा? ऑप्शन बी आंसर होगा आपका राइट. 47 नंबर क्वेश्चन, आई हेल्प इन डिज़ाइनिंग एंड बिल्डिंग हाउस, आई एम एम. ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, मैं घरों के डिज़ाइन और निर्माण में मदद करता हूँ, मैं एक हूँ. मतलब घरों के डिज़ाइन भी करते हैं और निर्माण में भी मदद करता हूँ, तो वो कौन है? फिटर नहीं होगा, टर्नर नहीं होगा, नर्स तो भाई बिल्कुल नहीं होगा. ऑप्शन पढ़ोगे देखो अपने आप आंसर दोगे कौन, आर्किटेक्चरल असिस्टेंट. ऑप्शन सी इज राइट आंसर. 48 नंबर क्वेश्चन है, चूज अ करेक्ट रिप्लाई टू द गिवन क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू. दिए गए प्रश्न का सही उत्तर चुने. ये प्रश्न था हमारा, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, तो आप आंसर क्या दोगे? किसी ने आपसे पूछा आप क्या करते हो, वो बात अलग है कि आपका आंसर होगा कि मैं तो पढ़ता हूँ, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ. लेकिन क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से आपको सही ऑप्शन देखना है कि कौन सा सही रहेगा. अगर किसी ने पूछा है कि आप क्या करते हैं, आपको देखो थोड़ी सी आवाज़ सुनने को मिलेगी, आई एम सॉरी, बट ये कुछ क्लासेस आपकी ऐसी जाने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोग्राम है और वो मुझे नहीं लगता अगर मैं 10 दिन का ब्रेक ले लूँ तो शायद ऐसा नहीं होगा ना, बट आपकी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, आपकी क्लास मैं रेगुलर लूँगी, ठीक है. तो ऐसी ये जो आवाज़ आए ना, ऐसा थोड़ी बाहरी आवाज़, उस पर थोड़ा सा इग्नोर आप करें, ठीक है, उसके लिए सॉरी. हाँ, तो आप क्या करते हैं, इसका आंसर क्या होगा? यह कुमारन नगर है और यह चेन्नई में है, तो ये होगा गलत. आप क्या करते हैं, मैं ABC सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन में डेस्कटॉप प्रकाशक हूँ, या फिर मैं ट्रेन से जाता हूँ, तो ये भी नहीं होगा, नन भी नहीं होगा. क्या होगा? आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, कोई आपसे पूछेगा आप क्या करते हैं, तो आप क्या कहोगे? मैं ABC सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन में डेस्कटॉप प्रकाशक हूँ. ऑप्शन बी होगा राइट, ठीक है. नेक्स्ट है, द एक्सप्रेशन टू सम अप इज यूज्ड टू. अभिव्यक्ति संक्षेप में का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है. जो अभिव्यक्ति है, जो एक्सप्रेशन है, संक्षेप में, जो संक्षेप में है, इसका प्रयोग किया जाता है. इसका प्रयोग जो संक्षेप में है, इसका प्रयोग किया जाता है किसके लिए? एक चर्चा समाप्त करने के लिए, एक चर्चा समाप्त करने के लिए संक्षेप में, यानी कि बहुत कम शब्दों में या फिर बहुत कम टाइम में, उसी को तो बोलते हैं संक्षेप में. क्या होगा? ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, ठीक है. नेक्स्ट है, 15 नंबर क्वेश्चन है, विच एक्सप्रेशन वुड यू चूज टू एग्री विद समवन. किसी से सहमत होने के लिए आप किस अभिव्यक्ति को चुनेंगे? किसी से सहमत हैं अगर आप, तो आप किस अभिव्यक्ति का चुनाव करेंगे? इन माई एक्सप्रेशन, मेरे अनुभव में, या फिर यू आर एब्सोल्यूटली राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, या फिर यह माना जाता है, या फिर हाँ लेकिन,
लेकिन यहाँ पर क्या बात हो रही है, किसी से सहमत होने के लिए। आप किसी से सहमत है, किसी की बात से सहमत है, तो आप क्या कहेंगे, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या होगा, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर आप लोगों का। 51 नंबर क्वेश्चन है, विमला वाज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन, विच एस्पेक्ट ऑफ डिस्कशन डिड सी मिस। समूह चर्चा के दौरान विमला दीवार के सहारे टिकी हुई थी। भाई समूह चर्चा हो रही थी लेकिन जो विमला है वो दीवार के सहारे टिकी हुई थी, सही से वो उसका पोस्चर नहीं था, सही से वो बैठी नहीं थी या फिर खड़ी नहीं थी, दीवार के सहारे वो टिकी हुई थी। तो वह चर्चा के किस पहलू से चूक गई, चर्चा की किस पहलू से चूक गई। अब देखो आप लोगों के मन में ये नहीं होगा, स्माइल नहीं होगा, लाउड एंड डोमिनेटिंग नहीं होगा, आप लोगों के दिमाग में इन दोनों में कंफ्यूजन होगा, इम्प्रेसिव बिगिनिंग और करेक्ट पोस्चर। ठीक है, इम्प्रेसिव बिगिनिंग और करेक्ट पोस्चर में आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो विमला दीवार के सहारे टिकी हुई थी, यानी कि उसका जो पोस्चर था, यानी कि वो सीधे नहीं खड़ी थी या फिर सीधे नहीं बैठी थी, यानी कि जो वो सही आसन में नहीं बैठी थी। चर्चा के किस पहले से चूक गई, करेक्ट पोस्चर से, ऑप्शन बी होगा राइट, करेक्ट पोस्चर। नेक्स्ट है, व्हेन टॉकिंग टू अ कॉलर आफ्टर पुटिंग देम ऑन होल्ड व्हाट शुड यू से। देखो ये क्वेश्चन आप लोग किस किस को लग रहा है कि क्वेश्चन सिंपल है और किस किस को लग रहा है कि टफ है, कमेंट करके जरूर बताओ किसको सिंपल लग रहा है किसको टफ लग रहा है। इतने टफ नहीं है, प्लीज़ आप लोग थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। ठीक है, समझोगे तो क्या कुछ नहीं आप समझ जाओगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि ये बहुत टफ है लेकिन नहीं होती हैं टफ। एक दो बार आप पढ़ने की कोशिश करोगे, बिल्कुल मन से पढ़ने की कोशिश करोगे तो ज़रूर आपको समझ में आएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप जितनी भी आप क्लासेस देख रहे हैं, चाहे थ्योरी की, चाहे वर्कशॉप कैलकुलेशन, चाहे इंजीनियरिंग ड्राइंग, चाहे आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, आप लोग प्लीज़ बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें, जो ऑप्शन है आप लोगों के उनको पढ़ें बहुत ही ध्यान से और फिर आप आंसर दें। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। कॉल करने वाले को होल्ड पर रखने के बाद उससे बात करते समय आपको क्या कहना चाहिए, ये क्वेश्चन ध्यान से समझिए। कॉल करने वाले को होल्ड पर रखने के बाद उससे बात करते समय आपको क्या कहना चाहिए, क्या कहेंगे आप, फ़ोन का जवाब दें और कॉलर को होल्ड पर रखें। ठीक है, कॉलर को होल्ड पर रखें, मतलब आप किसी से बात कर रहे हैं, आपके पास कॉल आई, ठीक है, दो दो एक कॉल आप तो कर ही रहे हो, एक दूसरी कॉल भी आ रही है, तो आप क्या करोगे, जो आप कॉल कर रहे थे किसी व्यक्ति से उसको आप होल्ड पर रखेंगे और जो दूसरी कॉल आ रही थी उसका आप जवाब देंगे। क्या होगा, ऑप्शन सी होगा राइट आपका आंसर, फ़ोन का जवाब दें और कॉलर को होल्ड पे रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी फेजेज आर देयर इन अ टेलीफोन कॉल, टेलीफोन कॉल में कितने चरण होते हैं, टेलीफोन कॉल में कितने चरण होते हैं। वैसे आपके जो टेलीफोन, अगर मैं नॉर्मली बात करूँ मेरी जो नॉलेज के हिसाब से, आपके जो टेलीफोन कॉल में जो फेजेस होते हैं वो होते हैं 5। ठीक है, 5 होते हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम में तो देखो पूरा का पूरा कॉपी आएगा, जिस तरीके से भरत स्किल पे है उसी तरीके से आपके एग्ज़ाम में आएगा, जिस तरीके से आपके एग्ज़ाम में भरत स्किल पर क्वेश्चन है उसी तरीके से आपके एग्ज़ाम में आएंगे। मतलब मेरे कहने की बात है, मैं ये दो बार बोल गई, मेरे एग्ज़ाम में देखो जब एक था एमएस ऑफिस, मैं कई बार बता चुकी हूँ, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूँ, मेरे एग्ज़ाम में कुछ एमएस ऑफिस करके एक आया था क्वेश्चन, आगे भी क्वेश्चन था लैंग्वेज की, मतलब पूरा सेंटेंस था क्वेश्चन का। तो जो एमएस ऑफिस को पता है क्या आया था, एमएस ऑफिस को अगर हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो ऐसे ही लिख जाएगा ना वो एमएस ऑफिस, और फिर उसके बाद हिंदी में लिख जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन भाई हमारा तो अभी भारत इसके लिए निमी का थोड़ा उल्टा दिमाग चलता है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको ट्रांसलेट कर दिया सुश्री कार्यालय में। एमएस ऑफिस को इन लोगों ने सुश्री कार्यालय में परिवर्तित कर दिया। ये मतलब एक बहुत ही फनी थिंग्स है कि ये भाई क्या कर रहे हैं ये लोग,
बिल्कुल एमएस ऑफिस को सुश्री कार्यालय लिख रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, लेकिन आप तभी तो फिर क्वेश्चन अपडेट किए गए, फिर से पीडीएफ लाई गई, तब ये थोड़ा सुधार हुआ। ठीक है, तो वो मैं बता रही हूँ कि टेलीफोन आप जो क्वेश्चन है उस हिसाब से टेलीफोन कॉल के जो फेजेस होते हैं, चरण होते हैं, वो 5 होते हैं, लेकिन अगर आपके ऑप्शन की बात की जाए तो 5 तो उसमें कहीं नहीं है। लेकिन एक और चरण होता है कॉल का, तो कॉल के चरण होते हैं 3। ठीक है, फिर आप कंफ्यूज होगे, मैंने बता दिया, फिर आप कहोगे कि मैडम ये कैसे 5 होते हैं, कहीं कोई कहेगा 3 होते हैं, तो मैं बता दूंगी एक एक और चरण होता है, उसमें 3 चरण होते हैं टेलीफोन कॉल के। वो होते हैं आपका इंट्रोडक्शन, पहले होता है इंट्रोडक्शन, पहला चरण, ये थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन। दूसरा है ऑब्जेक्टिव, थर्ड है आपका कंक्लूजन, सॉरी थर्ड है कहाँ गया, हाँ कंक्लूजन, कंक्लूजन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 3 चरण होते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर वॉइस, आपकी आवाज़ के महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं। भाई आपकी आवाज़ के महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं, जैसे मेरी आवाज़ वॉल्यूम, जो आवाज़ है वो कैसी एकदम तेज होनी चाहिए। ठीक है, स्पीड, एकदम स्पीड से बोले, मतलब एकदम फ्रिक्वेंटली बोलते रहे, अटके ना। ठीक है, और टोन, मेरी जो टोन है एकदम स्पष्ट है टोन। ठीक है, तो कैसे होगा, आपकी आवाज़ के महत्वपूर्ण पहलू क्या क्या हो सकते हैं, आपकी आवाज़ वॉल्यूम बोल सकते हैं इस तरीके से, स्पीड किस तरीके से बोल रही हैं, अटके ना, टोन। ठीक है, तो क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव हमारा ट्रिकी ऑप्शन, जो मैंने बोला था 98% आपका ये जो ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव, ये होगा आपका राइट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर में मोस्टली 98%। ठीक है, नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन है, यू आर ऑन कॉल एंड आर नॉट एबल टू हियर वेल, हाउ विल यू आस्क द पर्सन टू बी लाउडर, आप कॉल पर हैं और ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, आप उस व्यक्ति को जोर से बोलने के लिए कैसे कहेंगे। देखो मोस्टली ऐसा होता है कि कोई फ़ोन कॉल आता है और आवाज़ नहीं आती है उधर से, उस तरफ से। ठीक है, तो आप किस तरीके से बोलोगे। अब इसका आंसर जो होने वाला है वो तो हम बिल्कुल यूज़ नहीं करते, लेकिन हमें भी अपने पढ़े लिखे लोग हैं, आईटीआई का एग्ज़ाम देने वाले, तो उसी हिसाब से हमें आंसर देना होगा ना, अच्छे से आंसर देना होगा। तो भाई आवाज़ नहीं आ रही, आप किसी कॉल पर हैं, आपको सुनाई नहीं दे रहा है, तो आप उस व्यक्ति से कैसे कहेंगे कि आप थोड़ा जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। तो आप कैसे कहोगे, क्या आप जोर से बोल सकते हैं ये, या फिर कुड यू प्लीज़ स्पीक अ लिटिल लाउडर, क्या आप कृपया थोड़ा जोर से बोल सकते हैं, या फिर स्पीक लाउडली, जोर से छींटा कासी करना, मतलब जोर से बोलना, या फिर नन ऑफ द एबव, क्या होगा, क्या आप कृपया थोड़ा जोर से बोल सकते हैं, ऑप्शन बी होगा राइट हमारा आंसर। लेकिन कमेंट करके जल्दी बताओ कि ये ऑप्शन कौन कौन यूज़ करता है, मतलब सामने से फ़ोन आया या फिर हमने किया और आवाज़ सही से नहीं आ रही है, तो क्या हम लोग कभी इस तरीके से बोले हैं कि अंकल या फिर जो भी है, क्या आप कृपया थोड़ा जोर से बोल सकते हैं, ऐसा कभी नहीं बोला यार, नॉर्मल हम लोगों ने नहीं बोला होगा। ठीक है, एग्री हो तो कमेंट कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, आलसी लोग हो, मुझे पता है मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही आलसी हैं कमेंट करने में। यू आर हैविंग अ कन्वर्सेशन विथ योर कॉलेज यू एंड देन योर फोन रिंग, व्हाट वुड यू से, आप अपने सहयोगी के साथ बातचीत कर रहे हैं और फिर आपका फ़ोन बजता है, आप क्या कहेंगे, मतलब आप अपने सहयोगी से एकदम फेस टू फेस फिजिकली आप किस अपने सहयोगी से, अपने दोस्त से बात कर रहे हैं और फिर आपका फ़ोन बजता है, तो आप क्या कहोगे, आप क्या कहोगे, आप कॉल पर ध्यान नहीं दोगे, मतलब अपने दोस्त से बात आने में लगे हो कि भाई मेरा दोस्त इतने दिनों बाद, इतने सालों बाद मिला है, फ़ोन वोन तो देख लेंगे, बाद में बात कर लेंगे, क्या हो, आप कॉल पर ध्यान नहीं देंगे ये, या फिर आप अपने सहयोगी से प्रतीक्षा करने का अनुरोध करेंगे और अपना और आप महत्वपूर्ण कॉल का उत्तर देंगे, या फिर फ़ोन का जवाब दें और कॉलर को होल्ड पर रखें, मतलब फ़ोन उठा लिया और उसको होल्ड पर रख लिया और अपने जो मित्र हैं जो सामने खड़े उसे बात करने लगे, क्या होगा ऑप्शन। यहाँ पे देखो आप कहोगे मैडम ये डी ऑप्शन क्यों नहीं है, डी ऑप्शन जो था ना वो आपका ऑप्शन था नन ऑफ द एबव, और वो ऑप्शन तो आपका सही होता नहीं है, तो वो मैंने हटा ही दिया। ठीक है, तो ये मत सोचना कि इसमें 3 ही ऑप्शन है, 4 ऑप्शन, जिसमें भी आपको 3 ऑप्शन दिखे ना, ए बी सी डी ऑप्शन ना दिखे ना, समझ लो नन ऑफ द एबव ही था और इसका कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैं हटा देती हूँ। ठीक है,
क्योंकि इसमें ऑलरेडी जगह नहीं थी लिखने की, फिर ये ऑप्शन जो थे वो आपके छोटे छोटे हो जाते हैं, वजह से मैंने उसको हटा दिया। तो आप क्या करोगे, क्या करोगे भाई, सबसे बढ़िया बात तो यही है कि आप क्या करोगे, आप अपने सहयोगी से प्रतीक्षा करने का अनुरोध करोगे और आप महत्वपूर्ण कॉल का उत्तर दो, मतलब देख लोगे कि हाँ महत्वपूर्ण कॉल है, यानी कि मम्मी की है, पापा की है, किसी अपने बॉस की है या फिर स्कूल से है, तो इस तरीके के महत्वपूर्ण कॉल का आप उत्तर दे सकते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन गिविंग नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ओवर फोन कॉल हाउ शुड यू स्पीक, फोन कॉल पर नकारात्मक जानकारी देते समय आपको कैसे बोलना चाहिए, मतलब नकारात्मक जानकारी आप फोन पर दे रहे हैं तो आप कैसे बोलोगे, बस बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ और बोलते जाओ, जोर से बोलो, फोन कॉल का जवाब बिल्कुल सही नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए, फोन कॉल का जवाब बिल्कुल नहीं देना चाहिए, या फिर विनम्र होना चाहिए। क्या होगा, ऑप्शन डी होगा राइट। भाई हम नेगेटिव जानकारी दे रहे हैं या फिर कुछ भी नेगेटिव खबर दे रहे हैं तो हमें विनम्र होके बोलना चाहिए कि ये ऐसी बात है वैसी बात है व्हाटएवर, ठीक है। नेक्स्ट है, चूज द ऑड वर्ड, विषम शब्द का चयन कीजिए, विषम शब्द का चयन कीजिए, प्लीज सॉरी पेपर थैंक्स। तो देखो ये प्लीज सॉरी पेपर सॉरी थैंक्स, ये तीनों चीज़ें क्या हैं, ये अभिव्यक्तियाँ हैं, ठीक है, इनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोल सकते हैं प्लीज सॉरी थैंक्स, बट ये जो पेपर है ना ये ऑड है ना, तो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा राइट। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक विद द राइट वर्ड, द कंपनी डैश गुड्स टू वियतनाम, सही शब्द से रिक्त स्थान भरे। अब इसमें देखो भरना है, कंपनी डैश वियतनाम को माल, क्या हो, द कंपनी, इंग्लिश पर ध्यान देते हैं, द कंपनी डैश गुड्स टू वियतनाम, जो कंपनी है वो वियतनाम में जो सामान है उसको क्या करती है, एक्सपोर्ट ही तो होता है, एक्सपोर्ट ही तो होता है, क्या होगा, एक्सपोर्ट, बायज नहीं होगा, फॉल्स नहीं होगा, गोज नहीं होगा, एक्सपोर्ट होगा, ठीक है, एक्सपोर्ट। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी राइट स्टेटमेंट फॉर, देयर आर फायर इन द फैक्ट्री, किसके लिए सही कथन होगा, देखो यहाँ मंत्र वगैरह हवन हो रहा है, फैक्ट्री में आग लगी है, फैक्ट्री में जब आग लगी है तो इनमें से सही कथन कौन सा होगा, क्या अगला कदम होगा अगर फैक्ट्री में आग लगी है तो, पानी की समस्या दूर होती है, भाई फैक्ट्री में आग लगती है तो क्या पानी की समस्या दूर होती, या फिर प्रवेश प्रतिबंधित है, मतलब किसी फैक्ट्री में आग लगी है तो बाहर बोर्ड लग जाएगा, भाई प्रवेश प्रतिबंधित है मतलब कोई अंदर नहीं जा सकता, आप अंदर जा सकते हैं भाई, आइए अपनी मौत को बुलावा, आपकी मौत आई है, जाइए आप अंदर जाइए, क्या होगा, ये भी नहीं होगा, हम मैच जीते, ये भी नहीं होगा, इसको के मतलब है तो क्या होगा, भाई आग लगी है तो भाई प्रतिबंधित है वहां जाना, क्या होगा, ऑप्शन बी, एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड, प्रवेश प्रतिबंधित है। भाई देखो हमारी क्लास भी कंप्लीट होगी, 7 क्वेश्चन हमने किए, अगली क्वेश्चन हमारी होगी, क्लास नंबर होगी हमारी 20, ये क्लास, उसके बाद 21 नंबर क्लास, उसके बाद होगी 22 क्लास, और शायद इसी के साथ हमारा जो इम्प्रोबेबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर का सिलेबस है वो हो जाएगा ख़त्म, और ये जो क्लास है वो भी बिल्कुल राइट टाइम पे ख़त्म हुई है, हवन स्टार्ट हो गया और बहुत सारी आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा इंटरप्ट हो रहा है हमारे इस क्लास में, तो ठीक है, तो मिलते हैं आपको अपनी अगली क्लास में, क्लास नंबर होगी 20 और यही टॉपिक होगा इंग्लिश लिटरेसी, उसके बाद हम दो क्लासेस और करेंगे और इसी के साथ हमारा हो जाएगा क्या, हमारा हो जाएगा जो सिलेबस है प्रोबेबिलिटी स्किल का हो जाएगा ख़त्म। और आपने अगर अभी तक क्लासेस नहीं देखी हैं, अगर एक भी छूटी है या फिर अभी तक आप नए स्टूडेंट्स हो, नए स्टूडेंट्स हो तो देखना स्टार्ट कर दो, आपको प्लेलिस्ट स्क्रीन पर ही शो हो जाएगी, और कोपा के स्टूडेंट्स आपको भी अपनी क्लासेस की जो प्लेलिस्ट है वो भी स्क्रीन पर शो हो जाएगी, तो वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा।